प्रज्वल रेवन्ना भारत लौटे हैं। रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना भारत लौट चुके हैं। जर्मनी से भारत लौटे हैं प्रज्वल रेवन्ना। एसआईटी ने रेवन्ना को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना गिरफ्तार हुए हैं। प्रज्वल को अब सीआईडी दफ्तर ले जाया गया, आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये पूरा मामला जमकर सुर्खियों में रहा, बयानबाजी का दौर इसमें रहा। हालांकि इसके बाद बीच में प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया था कि मैं पूरे तरीके से जांच में सहयोग करूंगा। और देखिए इस बीच अब ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जब बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। रेप के आरोपी, तमाम आरोप इन पर लगे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग तरीके की सफाई उनके द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि ये एक षड्यंत्र है विपक्ष का और मुझे फंसाने के लिए इस तरीके के आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं और मैं जांच में मेरी तरफ से पूरा सहयोग मैं करूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एसआईटी ने रेवन्ना को किया है गिरफ्तार और इस पूरे मामले में अब सीआईडी भी पूछताछ करने वाली है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाना है। सीआईडी दफ्तर ले जाते हुए ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। जब सीआईडी दफ्तर प्रज्वल रेवन्ना को ले जाया जा रहा था, तमाम पुलिस फोर्स यहां पर आप देख पाएंगे जो कि तैनात है, सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात नजर आए। और इसी बीच अब सीआईडी के अफसर भी पूछताछ इस पूरे मामले में करने वाले हैं। एसआईटी ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया और इसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तारी होने के बाद सीआईडी दफ्तर उनको ले जाया गया।